आलम। नमस्कार, मैं मिता आलम और आप देख रहे हैं DNB अपडेट्स। विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत नवादा पंचायत में कल रात्रि 11 बजे बेटे ने माँ की हत्या और इसी महुआ के पेड़ के नीचे बेटे ने रस्सी से बांधकर माँ की ली जान। ये रस्सी आप देख सकते हैं कि इसी रस्सी से बेटे ने की हत्या और रात्रि 11 बजे इस महुए के पेड़ के नीचे बांधकर माँ की ली जान। यही वो घर है जहाँ पे मरहूम हुमायूं की वाइफ रहती थी और अमजद अंसारी जो बेटा है वो यहाँ पे आकर माँ को बहला फुसला कर एक सुनसान जगह पे ले जाकर माँ की ली जान। और अभी उनकी बड़ी बहन है, अभी उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये घटना कैसे हुआ? घर किसी से था ना। कब कब आते हैं ये घर कभी कभी? एक साल से जैसी हो गया है, हम लोग को हिस्सा नहीं दिया ने, तब आपकी ये घटना हुई है। आपका भाई कहाँ रहता था पहले? पेलावल। कब आया था यहाँ पे नवादा? कल। कितने बजे? 3 बजे। और माँ को बहला फुसला कर कैसे लेके गया? माँ को जैसे वहाँ दुकान गया था बच्चे को बिस्कुट लेने के। कहाँ पे गई थी? नवादा। अच्छा, तो वहाँ पर माँ मिला तो बोला पैसा कब देगा? बोला क्या, बोल हाँ तुम आओ तो हम तुमको देंगे। तो वहाँ पर दो आदमी था सरदार चचा मारू भाई, तो उन लोग के सामने बैठाया तो बोला क्या हम नहीं लेंगे 50,000, हमको 1.5 लाख चाहिए, हमारा जगह जमीन कैसे होगा। और रही बात का हमको पैसे बोल अपना पैसा कम पैसा में हमको लेके दिखा दो तब हम लेंगे, नहीं तो हम पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको जमीन चाहिए। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद में बोला तो बोल हमको नहीं देगा ना तो हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, सो हम कलकत्ता जाने के बाद ही करेंगे। तो कलकत्ता जाने वाला था ये मैटर, वहीं होता। कौन जाने वाली थी? माँ बेटा ये सब तीनों जाने वाला था। सास बहू और बेटा तीनों जाने वाला था, लेकिन माँ यहाँ पर आ गई तो उसको बुलाया गया। तो बुला के जब दे रहा था तो तय नहीं किया 50,000, बोला हमको 1.5 लाख चाहिए। कैसे बुलाया गया और बुला के बोला हम लोग का आपस का मामला है, हम लोग तीनों माँ बेटा सलट लेंगे। तो अभी अमजद अंसारी कहाँ पे? अभी अमजद अंसारी कहाँ पर है हम भी नहीं मालूम है। और ये आपकी माँ को कहाँ पे लेके जाया गया, लेके गया है? अभी माँ को हजारीबाग पोस्टमार्टम के लिए लेके गया। तो यहाँ पे विष्णुगढ़ पुलिस प्रशासन आया हुआ था, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो लोग बोला कि मारा नहीं है, मारा गया है, हत्या किया गया है। अभी क्यों कौन हत्या किया है इसको नहीं मालूम है, इसको समझ बूझ बाद में होगा, पहले पोस्टमार्टम के लिए बात गया। बॉडी के साथ 4 आदमी के 5 आदमी गया है मालूम नहीं है। अगर आपका भाई पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है तो क्या होना चाहिए आपके भाई के साथ? सजा होना चाहिए। और उसका ससुर बोला था। क्या बोला था? हम रुपया के जोर से हम। किसका ससुर क्या बोला था? अमजद का ससुर जो था ना, जो हत्या किया अपनी माँ का, वो बोला कि बोल हम रुपया के जोर से हम तुमको छुड़ा लेंगे, अभी तुम तो यहाँ से चला जाओ फिर बाद में हम निपट लेंगे। सब बात हुआ है, सब तीनों सास, उसकी सास, अमजद के सास और ससुर और उसकी बीवी से। उसकी बीवी का नाम क्या है? रिजवाना खातून है। और उसकी सास का? उसका सास का मालूम नहीं है।
वो भी साथ में थी। जी बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। यहाँ तक कि उसका माँ बाप भी उसको सपोर्ट दिया है कि मार के तुम। किसका माँ बाप? अमजद का सास ससुर। वो बोला तुम मार के आओ, हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग बेल करा लेंगे। ससुर का क्या नाम? ससुर का नाम है आसिक मियाँ। हाँ। और कोई बात हुई थी? अब पहले बात हुआ होगा तो सब हमको नहीं मालूम। जी बिल्कुल।